कोरोना से देश को थोड़ी राहत मिल रही है। देश में कोरोना की चाल धीमी हो रही है, ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। भारत में बीते कुछ दिनों से कोविड के केस 3 लाख के ग्राफ को पार कर रहे थे, लेकिन मंगलवार को इसकी चाल मध्यम हो गई। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 2.5 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल देश में कोविड संक्रमण दर 15.2% पर है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव केस 22 लाख से ज्यादा हैं। इससे पहले सोमवार को देश में कोरोना के 3,06,000 केस सामने आए थे, यानी आज 50,190 कम कोरोना केस सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,55,874 नए मामले आए। वहीं 2,67,753 रिकवरी हुई हैं और 614 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देश में अब तक 4,90,462 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं 3,70,71,898 लोगों ने कोरोना को हराया है। देश में अभी कोरोना के 22,36,842 मरीज हैं। उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा कम हुआ है, जहां उत्तराखंड में बीते दिनों 3,727 कोरोना के पॉजिटिव केस थे। वहीं बीते 24 घंटे में 3,064 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं मौत का दर 5 से 11 हो गया है। वहीं एक्टिव केस की रिकवरी 1,270 से 2,985 हो गई है।